नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं कौन सी जगह भाई साहब? अभी किसान भाई से बात करेंगे हम। कौन सी जगह? ये ग्राम पड़ता है असरोही हाथरस में। असरोही हाथरस में। अच्छा जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जी, तो ये तो बॉर्डर है क्या है ये तो? हाँ, ये बॉर्डर ही है बिल्कुल। काफी लोग बता रहे हैं ये तुम्हारा वो आ गया अलीगढ़ और हाथरस के बॉर्डर पे है। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर ही है यहीं से। अच्छा, तो अभी ये कौन सी वैरायटी है जो हम खड़े हैं? अभी ये खड़े हैं, ये वैरायटी है 226 हाइब्रिड में। 226 हाइब्रिड हाइब्रिड में। तो अभी तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है? जी हाल तो ये है कि पिछली साल के अपेक्षा मतलब डाउन ही है। अच्छा, तो एक बार बताओ, काफी लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड पे मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, क्या है? तो आपको क्या लग रहा है हाइब्रिड वैरायटी के लिए? नहीं बिल्कुल नुकसान है हाइब्रिड पे, सब पे नुकसान है यहाँ। अच्छा, तो हाइब्रिड पे पाले का या ब्लैट का कितना असर है? हाँ पाले का भी असर है, ब्लैट का भी असर है। अच्छा, तो वैसे आया लेकिन थोड़ा कम असर दिख रहा है इस पे। हाँ इस पे जो कम असर है, लेकिन जो है कि थोड़े बहुत खेतों में है, नहीं ज्यादातर तो असर सभी खेतों में है। अच्छा, ये तो कुछ ही खेत हैं जो कम असर है, नहीं ज्यादातर खेतों में। यहाँ तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? ये हमारे पास जो है 226 है। अच्छा, और ये? ये 302 वैरायटी है। दोनों हाइब्रिड है? दोनों हाइब्रिड है। तो पहले तो आप हमें पहले वैरायटी दिखाओ, 226 कैसी हो, फिर हम आपसे बाद में पूछेंगे क्या क्या आपने इसमें लगाया है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए कौन कौन से। एक पौधा उखाड़िए, सिंगल पौधा पहले। हाँ, तो इनमें से एक सिंगल पौधा दिखाइए हमें पहले। सिंगल पौधा दिखाते हैं, वैसे बता दो तो इसकी पैदावार बढ़िया है। बताते हैं, ठीक है। हाँ, एक सिंगल पौधा उखाड़ो, दिखाइए भैया जड़ दिखाओ पहले। तो जड़ तो साफ है, बस थोड़ी सी एक जड़ गलन आई है बाद में, तो देखते भैया। एक वो नीचे चला गया, नीचे ऊपर रखते जाना है जी। बिल्कुल, इसमें तो बहुत टूबा निकल है, देखो पीछे है, एक पीछे निकल गया। ये इस वाले पौधे का है क्या? नहीं नहीं, इसी का है, इसी के नीचे ना। अच्छा अच्छा, तो इसमें ट्यूमर तो बहुत बनना है। हाँ, ट्यूमर तो इसमें बनते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक ये नीचे, तो यही है एक पौधे में है, यही है। तो गिनना कितने हैं ये? ये 3। हाँ, 6, 9, 2, 11 है। 11। अब सुनो, ये तो मतलब इसमें तो कोई गुल्ला ही साइज है सब। ये इधर देखो, ये तो गुल्ला साइज है। हाँ ये गुल्ला ही है, इसमें मतलब फूला कम है। आलू जो है ये पिछली बार पे मतलब जो है ये 70 दिन पे आलू जो है नहीं मिलता था। अच्छा, जो 70 दिन पे मिल जाता था, अब की बार नहीं मिला है 90 दिन पे भी। तो ये 90 दिन का आलू हो गया है? हाँ, ये 90 दिन का आलू हो गया। तो 90 दिन में जैसे इसके जो साइज आप देखोगे, ये 70 दिन पे मिल जाते थे ये साइज जो है। ये साइज 70 दिन पे मिलता था, अब के 90 दिन पे जो है पहुंच रहा है, वो भी एक दो। पिछली बार 8-10 आलू निकलते थे इस साइज के, अब के 2-2 आलू निकल रहे बस। अच्छा अच्छा, एक पेड़ के अंदर। तो अभी ये पूरी तरह मोटा भी नहीं है और गुल्ला भी नहीं है। गुल्ले से बड़ा है, मोटे से छोटा? हाँ बिल्कुल, ना मोटा है ना मतलब गुल्ले से बड़ा है, मोटे से थोड़ा हल्का है। तो पिछले साल के अपेक्षा क्या मान रहे हो इस आलू को आप? जी आलू मतलब हल्का ही है, काफी हल्का है। अच्छा, पिछली बार के अपेक्षा। तो पैदावार कितनी मान रहे हो पिछले साल के अपेक्षा? कितने परसेंट कम मान रहे हो इसे? पिछली बार तो समझो कम से कम 75-80 की हो गई थी, अब की तो 55-60 से ऊपर नहीं जाएगी ये आलू। अच्छा, जो कि इसकी कंडीशन अच्छी है ना। अभी पौधा भी देखो सही लग रहा है हमें तो पौधा। हाँ। ये एक दो पौधा ये मरा बस ब्लैट से, बाकी सब सही है। इसके इसकी 55-60 के करीब उम्मीद है, नहीं कि वैसे तो ज्यादातर खेतों में तो 45-50 से ऊपर जाएगी ही नहीं। अच्छा, ये तो कुछ ही खेतों टॉप खेतों की है ये कंडीशन ना, वही तो कह रहा हूँ। और चलो ट्यूबर तो क्या है, वैसे कितने निकलते हैं इसमें? अरे इसमें 18-20 निकलते हैं, 15-15, 16-16। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ये मोहन की सी टू कॉम पीसी लग रहा है वैसे? हाँ मोहन की पहले है नहीं, खैर वो अलग है मोहन। अच्छा, और ये बराबर तुम्हारा 302 है? हाँ ये 302 है। 302 और दिखाओ, 302 का और बता रहे लोग काफी। हाँ, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, फिर पूछेंगे आपने अब तक क्या क्या लाग देते हो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये देखो इनका आलू वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन फुलाव इसमें भी ना, ऐसा तो ना कि ट्यूबर ज्यादा इस वजह से फुलाव ना है कि निकलता ही इतना ट्यूबर इसमें? नहीं इसमें मतलब फुलाव तो इसका ऐसा तो कोई कारण नहीं है। अच्छा, ट्यूमर इतने निकलते हैं? हाँ ट्यूमर तो खैर ठीक है, फिर भी 10-11 निकले हैं, लेकिन वैसे तो मोस्टली खैर फलाव जो फलाव हल्का है मतलब पिछली बार के। अच्छा अच्छा, 302 और दिखाओ, 302 दिखाओ। चलो तो भैया ये देखिए, इनके में ज्यादा मतलब हाइब्रिड वैरायटी में ज्यादा कोई असर नहीं है पाले का, फिर भी आलू में फलाव नहीं है जो आप जैसे देख रहे हो। और अभी देखते हैं 302 वैरायटी का क्या हाल है इनका, क्योंकि 302 का भी काफी लोग करते हैं। ये देखिए भैया, कुछ इसके इनमें ब्लैट आई है, कुछ मतलब सही है। ये 302 है? हाँ जी 302 है ये। अच्छा अच्छा, हाइब्रिड में 302। ये कैसे है, कुछ पौधे तो एकदम बढ़िया हैं और कुछ पौधे मतलब खत्म से लग रहे हैं? अरे इसमें रोग जो जल्दी आ गया था। अच्छा, रोग जल्दी आया आपके? जी जी। चलो तो ये कितने दिन का है? ये करीब करीब 88-90। इधर देखो,
ये 302 कितने का है? ये करीब 88-90 दिन के करीब हो गया, 88-90 दिन के। हाँ तो 88-90 दिन में अब इसका साइज दिखाओ ये कैसा है। हाँ जी बिल्कुल, 302 भी देखें भैया, काफी कमजोर लग रहा है ये पौधा। हाँ हाँ, ये वही है खेता खेती है कुछ। अच्छा अच्छा, सिंगल ही है ना? हाँ सिंगल ही है। हाँ ये ट्यूबर तो यार इसमें भी ज्यादा ना लग रहे। ये है इनका, पानी बहुत लगाया आपने है? हाँ पानी तो काफी लगाया, जाड़े से बचाने के लिए, जाड़े से बचाने के लिए, कुछ वर्षा भी हो गई है अभी। अच्छा अच्छा, तो ये है भैया इनके 302 के आलू। बस एक आलू ये मोटा है, बाकी ये एक दो गुल्ला साइज। कितने आलू टोटल? ये है जी 4, 5, 7, 8 आलू है। तो इधर देखो, तो इसमें 8 आलू में आपका एक आलू मुझे बम्पर दिख रहा है, बाकी सब छोटे हैं। हाँ बाकी सब गुल्ला साइज है। पिछली बार कितने ट्यूबर थे इसमें? पिछली बार 14-15 तक होते। अच्छा, और फुलाव कैसा रहता था? फुलाव भी ठीक रहता था। ये मतलब ये साइज जो है 70 दिन पे 65-70 दिन पे मिल जाता था। अब ये आप हिसाब लगा लीजिए कि अब ये 90 दिन पर है और 100 में एक आलू है। अच्छा, 4-4, 6-6 आलू निकलते थे इस टाइप की। 302 75 दिन। अब आपकी, आप इसकी पैदावार क्या मान रहे हो पिछले साल के पीछा? काफी कम है पिछली बार से तो। अच्छा हाँ, अब ये साइज है तो 50-55 से ऊपर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्यूमर ही नहीं है। ट्यूमर भी नहीं है वो भी, ये तो कह रहा हूँ। फुलाब भी कम है और ट्यूमर भी नहीं है, तो इससे 50-55 से ज्यादा नहीं जाएंगे यार। तो जबकि ये हाईब्रिड वैरायटी 302 एक तरह का अच्छी पैदावार। अरे अच्छी पैदावार होती है, 75-80 से कम होता ही नहीं है ठीक ठाक आलू। और ट्यूबर जैसे आप बता रहे हो 12-14 निकलते। हाँ, थे उसमें कितने मोटे निकलते थे? मोटे कम तो 7-8 निकलते थे, इसमें तो एक ही मोटा है अभी तक। अब कितनी उम्मीद रख रही हो आगे फूलने की से? उम्मीद अब क्या है, अब तो 90 दिन तो हो गए, थोड़ा बहुत हो सकता है, बस नहीं ज्यादा फ्लावर तो आएगा नहीं अब। अच्छा, टाइम पूरा हो गया। वो ये 2-4 पैकेट का ऊपर नीचे हो सकता है। बस बस इतना ही तो हो सकता। आप पिछले साल के बेचे इसमें पैदावार कितनी मान रहे? पिछले साल कितना निकला ये? पिछली बार तो इसमें कोई 70-65-70 से ऊपर ही गया था पैदावार। हाँ, अब की बार तो 50-55 के करीब उम्मीद लगाई जाए। हाँ, तो अब हमें ये बताइए कि आपने उसमें और इस आलू में दोनों में लागत क्या क्या डाली है? लागत ये कि इसमें जो है डीएपी बताओ। डीएपी कट्टे का बिया डाला हुआ है, एक कट्टे का बिया सुबह। अच्छा, पोटास जो बोने से पहले। हाँ, और पोटास भी करीब डालिए 10 किलो का बिया, मतलब लाल वाली। हाँ लाल वाली, ठीक है। और स्प्रे कितनी होगी इसमें? 3-4 स्प्रे हो गई करीब। फलाने की भी होगी एक उसी के साथ में। हाँ उसी के साथ में, मतलब दो साथ में फुलाने की भी चली है। अच्छा, और पानी कितने लगाती है? पानी इसमें लग गए 5। तो फिर भी यार साज नहीं फुला। हाँ, तो आप एक काम करो, इसका एक पौधा और दिखा दो। हाँ, अभी यार विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने कम आलू कैसे निकल रहा है 302 में। एक पौधा और दिखा दो, देखो दूसरी लाइन में दिखाना, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। देखो इधर दिखाओ, आ जाओ, इसे बाद में रख ली हूँ, थोड़ा वीडियो चल रही है। इधर दिखा दो कोई अलग साइड में, ये देखिए 302 का एक पौधा। ये देखो ये पाला, ये पाले से ब्लैड से ज्यादा है ये ब्लैड है ये। देखो ये ना एक सही सा पौधा दिखा दो, इसे दिखाओ इसे पौधे को दिखाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लग रहा है कि ये फुलाव सा लग रहा है, मिट्टी हटा रहा है। देखो ये पौधा दिखाओ, चलो बीज एक ही सिंगल ही है। हाँ सिंगल भी है, तो देखते हैं भैया इसमें क्या है इनका। 302 आलू है ये, वैसे 226 से इसकी पैदावार ज्यादा रहती है। हाँ 226 से ज्यादा ही रहती है। अच्छा, एक नीचे बीज इसमें है। तो भैया मुझे तो यार इसकी पैदावार तो कम लग रही है। कितने आलू है ये इसमें, कितने निकले इसमें? वही 7-8 ही करीब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वही है। और एक ये छोटा सा कहाँ गया वो पता ही नहीं, 8-9 आलू है। हाँ, वही तो भैया देखो सुनो, 6-8 ही आलू। अब मेरी सुनो। हाँ जी, मैंने अब ये दो पौधे देखे, मुझे तो आपकी पैदावार 100% बता रहा हूँ, इसमें 10 पैकेट तक की कम जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पहली बता दी 65-70 का था पिछली बार, अब तो 50-55 करीब ही आ जाए। क्योंकि 302 का ये साइज निकल रहा है, तो सोच लो क्या हालत है इसकी। जब 302 का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, ये कह सकते हैं। हाँ ये कह सकते, 226 भी आपकी कम थी, 226 में भी हल्का ही है, और 302 भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है अब की बार। चलो तो फिर आपका देखो वीडियो बनवाने के लिए हमारे साथ इतना टाइम हमारे लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। ये देखिए भैया इनका 302 आलू है ये, और कुछ पौधे इसमें सही है, कुछ ज़्यादातर ये हालत है। और आलू आपको मैंने दो पौधे दिखाए हैं, तो ये 302 का भी ये हाल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है किसान भाइयों।